दोस्तों, आप लोगों ने एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों को ही जरूर देखा होगा, लेकिन हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने दोनों को ही मगरमच्छ समझने की गलती जरूर की होगी। जिस तरह सोना और पीतल दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक उसी तरह एलिगेटर और क्रोकोडाइल भी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब इनके बीच अंतर ढूंढने जाते हैं तो एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें पता चलती हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब खतरे के मामले में तो ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक हैं, पर सवाल आता है कि आखिर कौन सामने वाले को पटकनी दे सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज हम एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान करके रख देंगी। हाँ, भले ही एलिगेटर और क्रोकोडाइल दिखने में एक जैसे ही क्यों ना हो, पर इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है, और अगर इनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करी जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से काफी अलग बनाती हैं। जहाँ सबसे पहली चीज तो मगरमच्छ आपको अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया की सभी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, तो वहीं एलिगेटर केवल चाइना और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एलिगेटर का जो मुंह है उसका आगे वाला हिस्सा यानी कि थूथन यू शेप में होता है, वहीं मगरमच्छ का थूथन वी शेप में होता है। दोस्तों, एलिगेटर का जो ऊपरी जबड़ा होता है वो निचले जबड़े की तुलना में थोड़ा चौड़ा होता है, और यही कारण है कि मुंह बंद करने के बाद भी एलिगेटर के दांत दिखाई नहीं देते, पर मगरमच्छ के दांत मुंह बंद करने के बाद भी एक दूसरे में फंसे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ का ऊपरी और निचला जबड़ा एक ही समान चौड़ा होता है, जिस वजह से इसके दांत पूरी तरह से ढक नहीं पाते और मुंह बंद करने के बावजूद भी दांत दिखाई देते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ की त्वचा का रंग हल्का हरा या फिर हल्का भूरा होता है, जबकि एलिगेटर गहरे काले भूरे रंग में पाए जाते हैं। साइज के बारे में अगर बात करें तो अमेरिकन एलिगेटर चाइना में पाए जाने वाले एलिगेटर के मुकाबले काफी बड़ा होता है। सामान्य तौर पर एक एलिगेटर की लंबाई 12 से 15 फीट होती है, पर कई बार 20 फीट तक लंबे एलिगेटर को भी देखा जा चुका है। वजन की अगर बात करें तो एलिगेटर 450 किलो तक के भारी हो सकते हैं, जो कि आपको अधिकतर मीठे पानी की नदियों और तालाब में ही देखने को मिलेंगे। पर अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो दोस्तों, ये मीठे पानी वाले नदियों के साथ साथ समुद्र के खारे पानी में भी पाए जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली मगरमच्छ का साइज 15 से 20 फीट तक का होता है, लेकिन अगर हम अफ्रीका में रहने वाले नाइल मगरमच्छ की बात करें तो इनका साइज 20 फीट से भी ज्यादा होता है, और इनका वजन 1000 किलो तक पाया जाता है, जिससे ये बात तो साफ है कि ताकत और आकार के मामले में मगरमच्छ एलिगेटर से आगे हैं। लेकिन दोस्तों, सारा खेल तो इनके काटने की शक्ति पर निर्भर करता है। वैसे तो इन दोनों ही जीवों के काटने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, यानी कि अगर कोई एक बार इनके जबड़ों में फंस गया तो उसका बचकर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। एलिगेटर की बाइट फोर्स 2980 PSI तक मापी गई है, पर दोस्तों, मगरमच्छ यहाँ भी एलिगेटर को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि मगरमच्छ की बाइट फोर्स अब तक नापी गई सभी जीवों की बाइट फोर्स में सबसे ज्यादा है, जहाँ ये 3700 PSI की बाइट फोर्स के साथ सामने वाले पर हमला करते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक नाइल मगरमच्छ की बाइट फोर्स 5000 PSI तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही जीवों में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, जिसका फायदा हम इंसान बड़े अच्छे से उठाते हैं। असल में ये अपने जबड़ों को बंद तो बहुत ही तेजी से करते हैं, लेकिन जब बात उन्हें वापस से खोलने की आती है तो इनके जबड़े खोलने की स्पीड बहुत ही कम है, और इसी चीज का फायदा उठाकर अगर मगरमच्छ का जबड़ा बंद है तो उसके जबड़े में टेप लगाकर उसे काबू में किया जा सकता है। दोस्तों, इनकी ताकत के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, पर अगर हम इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो उसमें भी जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जहां एलिगेटर का स्वभाव कम आक्रामक होता है और एलिगेटर केवल मछली, कछुआ और हिरण जैसे छोटे मोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाता है, और अगर इंसानों पर होने वाले हमले के बारे में बात करें तो 1973 से लेकर आज तक केवल 25 से 30 ऐसे इंसान हैं जिनकी मौत एलिगेटर के वजह से ही हुई है। लेकिन अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो दोस्तों, इनका स्वभाव बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता है, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है, इसलिए ये बहुत ही खूंखार तरीके से सामने वाले पर हमला करते हैं। पानी में घुसने वाली हर एक चीज को मगरमच्छ अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि मगरमच्छ के हिसाब से तो वो पानी का राजा है और सिर्फ वही अपने इलाके में राज कर सकता है। इसलिए जैसे ही कोई दूसरा जानवर पानी में प्रवेश करता है या फिर पानी पीने की कोशिश करता है, वो मगरमच्छ के निशाने पर आ जाता है। ऐसे में कई बार मगरमच्छ को भूख ना भी लगे तब भी वो पानी में आने वाले दुश्मन पर हमला कर देता है।
मगरमच्छ मछली या कछुआ को तो खाता ही है, अगर सामने ज़ेब्रा और बड़े साइज के भैंस वगैरह भी आ जाएं, तो ये उन्हें भी नहीं छोड़ते। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पानी में शेर जैसा खूंखार जीव भी अपनी प्यास मिटाने के लिए पहुंचता है तो ये उन पर भी हमला करके उन्हें मार डालते हैं। और इंसानों के बारे में तो पूछिए ही मत, क्योंकि हर साल करीब 1000 लोग, जी हाँ 1000 लोग मगरमच्छ का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, जब हम दो अलग अलग जीवों का मुकाबला करते हैं तो उनकी रफ्तार और हमला करने की गति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों ही जीव ज़मीन पर बहुत ही सुस्त और धीमे हो जाते हैं। जहां एक क्रोकोडाइल ज़मीन पर 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और ये स्पीड मगरमच्छ की केवल कुछ मीटर तक ही रहती है, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा चलना पड़े तो ये रुक जाता है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि इनके लिए ज़मीन पर शिकार करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर कोई इंसान मगरमच्छ से ज़्यादा तेज दौड़ता हुआ आगे निकल गया तो ये उसे पकड़ नहीं सकते। हालांकि एलिगेटर की ज़मीनी रफ्तार मगरमच्छ से थोड़ी ज़्यादा है, और एलिगेटर ज़मीन पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये मगरमच्छ की तुलना में ज़्यादा दूर तक दौड़ने में भी पूरी तरह से सक्षम है। पर अगर बात पानी की हो तो ज़मीन पर अधमरी हालत वाले इन दोनों ही जीवों में पानी के अंदर जाते ही जैसे कि जान आ जाती है। मगरमच्छ और एलिगेटर दोनों ही पानी के अंदर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि क्रोकोडाइल पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। आपको बता दें कि ये रफ्तार ओलंपिक में तैरने वाले इंसान से करीब 4 गुना ज़्यादा अधिक है। दोस्तों, अब आप इन दोनों ही जीवों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर हम एलिगेटर और एक मगरमच्छ के मुकाबले की बात करें तो ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि मगरमच्छ एलिगेटर की तुलना में साइज में काफ़ी भारी, बड़े और ताकतवर होते हैं। साथ ही साथ मगरमच्छ के काटने की ताकत भी एलिगेटर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा मगरमच्छ के दांत भी एलिगेटर से कहीं ज़्यादा बड़े और मजबूत हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि एलिगेटर कुछ भी नहीं है। अब इन्हें कमज़ोर समझना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में जीतने की संभावना उसी जीव की होगी जो पहले हमला करते हैं। अब भले ही एलिगेटर के पास मगरमच्छ के मुकाबले कम ताकत हो, लेकिन एलिगेटर भी अपने एक वार से मगरमच्छ को चीर फाड़ सकता है। पर दोस्तों, हम ये बात भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि एलिगेटर के मुकाबले मगरमच्छ ज़्यादा गुस्सैल जीव है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब कभी भी एलिगेटर का सामना मगरमच्छ से होगा तो पहला हमला मगरमच्छ की तरफ से ही होगा। पर यह सिचुएशन तो तब देखने को मिलेगी जब मुकाबला पानी में हो, क्योंकि अगर मुकाबला जमीन पर होता है तो कहानी पूरी तरह से पलट सकती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मगरमच्छ जमीन पर एलिगेटर के मुकाबले काफी स्लो है, और ये ज्यादा लंबे समय तक दौड़ भी नहीं सकते। मगरमच्छ गुस्से में आकर एलिगेटर के ऊपर वार करने लग जाए तो एलिगेटर पहले ही समझ जाएगा कि उसका बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देगा। थोड़ी देर तक मगरमच्छ एलिगेटर का पीछा जरूर करेगा, लेकिन बाद में थक हार कर मगरमच्छ बैठ जाएगा और एलिगेटर दूर तक तेजी से दौड़ता हुआ अपने आप को बचा सकता है। यानी कि जमीन पर मुकाबला होना एलिगेटर के हित में चला जाएगा, पर पानी में एलिगेटर के सामने करो या मरो वाली स्थिति होगी। अगर वो अपनी चतुराई दिखाकर मगरमच्छ के ऊपर पहले हमला करता है और खुशकिस्मती से उसके दांत मगरमच्छ के पेट के अंदर घुस जाते हैं तो एलिगेटर आराम से इस लड़ाई को जीत सकता है। पर उसके लिए एलिगेटर को न सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है बल्कि सही जगह पर वार भी करना है, क्योंकि अगर वार गलत हो गया और मगरमच्छ को दूसरा वार करने का मौका मिल गया तो एलिगेटर चाह कर भी खुद को नहीं बचा सकता। अगर एलिगेटर भाग भी जाता है तब भी मगरमच्छ उसका पीछा करके उसे अपना शिकार बना लेगा, और अगर एलिगेटर वार करने में चूक जाता है तब भी मगरमच्छ उसकी जान ले लेगा। यानी कि पानी में हुई लड़ाई में हर हाल में जीत मगरमच्छ की ही होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन दोनों ही जानवरों के बीच के अंतर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कंपैरिजन आपको किन दो जानवरों के बीच में चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।